अंतिम दर्शन में पहुंची दीपिका पादुकोण को किया जा रहा है बुरी तरीके से ट्रोल, दुख जताने गई है या शूटिंग करने, लोगों ने ऐसा कहकर क्यों किया है ट्रोल, आइए जानते हैं। बॉलीवुड एक्टर सतीश कौशिक के निधन से इंडस्ट्री उभरी भी नहीं थी कि एक और मशहूर डायरेक्टर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। परिणीता, हेलीकॉप्टर, ईला और मर्दानी जैसी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर प्रदीप सरकार अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने 24 मार्च को सुबह 3:30 बजे आखिरी सांस ली। उनके अंतिम दर्शन करने तमाम सितारे पहुंचे, इसमें दीपिका पादुकोण भी शामिल थी। उनके वीडियोस भी सामने आए जो थोड़े अजीब थे, मतलब वह कुछ अलग ही व्यवहार कर रही थी, जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल कर दिया। दरअसल प्रदीप सरकार ने कम फिल्में डायरेक्ट की, लेकिन जो भी की वो दमदार की। उन्होंने साल 2010 में दीपिका पादुकोण और नील नितिन मुकेश स्टारर लफंगे परिंदे भी डायरेक्ट की थी। इसे बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक ही रिस्पांस मिला था। हालांकि इसके बाद एक्ट्रेस ने उनके साथ किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर काम ही नहीं किया था। अब जब उनका निधन हुआ तो उनके अंतिम दर्शन के लिए दीपिका पादुकोण पहुंची। इस दौरान उन्होंने सफेद लिबास पहन रखा था, साथ ही आंखों में चश्मा लगा रखा था। अब दीपिका पादुकोण का ये लुक तो चलिए ठीक है, लेकिन जिस तरह से वो एक कठपुतली की तरह पैपराजी के साथ बर्ताव कर रही थी, वो किसी को रास नहीं आई। वह कुछ नहीं बोल रही थी, हाथ भी पीछे बांध रखा था, जो भी कहना हो वहाँ कह रहा था। लोग अपना सिर हिलाकर वो बस बयां कर रही थी। ये देखकर कोई ताज्जुब में पड़ गया कि इन्हें वाकई दुख है या फिर ये एक्टिंग कर रही है। तो लगातार दीपिका पादुकोण की इस एक्टिविटी को देखकर लोगों ने किया उन्हें जमकर ट्रोल। आप भी देखें उनके ये लेटेस्ट पिक्चर्स और वीडियोस और अपने रिएक्शंस हमें बताएं कमेंट करके।